हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड यार, सबसे पहले थैंक्स टू ऑल कि भाई आप लोग ने मेरे नए चैनल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो मुझे पहली बार इस चैनल से जान रहा है उनको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ माई सेकेंड चैनल। मैं मेरे पहले चैनल का नाम द समीर व्लॉग्स है, तो उसी के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम में मिलूंगा। अगर आप लोग और बात करना चाहते तो आप आकर भी वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो होने वाली है KTM Duke 200 वर्सेस KTM Duke 250 में। कंपैरिजन वाली वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन वाली वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये दोनों बाइक का कंपैरिजन करने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपेरिजन के बारे में कि दोनों बाइक में आपको प्राइस में कितना डिफ्रेंसेस देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जब भी हम कोई चीज़ लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपने प्राइस के बारे में ही सोचते कि भैया हमारे पास पैसा कितना है। KTM की Duke 200 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,26,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर बात करें 250 के बारे में तो 250 हमारे यहाँ लगभग 2,76,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के स्टेट एंड सिटी में दोस्तों ये दोनों बाइक का प्राइस का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों इंजन टाइप में KTM Duke 200 में 199.5 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4 वॉल्व इंजन आपको मिल जाता है। मतलब भाई देखिए, इंजन टाइप ना KTM की सभी बाइक में सेम है, लेकिन पावर का फ़र्क है। KTM Duke 200 में मैक्सिमम पावर अराउंड 25 PS के आसपास की पावर आती है एंड 19.2 के आसपास की टॉर्क आती है। ठीक है, अगर बात करें 250 के बारे में तो 250 में आपको 248.77 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4 वॉल्वो इंजन मिल जाता है। अगर पावर के बारे में बात करें तो 250 अराउंड 30 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 24 के आसपास की न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। मतलब अगर आप पावर दोनों बाइक का कंपेरिजन करोगे तो KTM की Duke 250 में पावर यानी कि PS पावर भी 5 की ज़्यादा है और टॉर्क भी आपको इसमें नंबर 5 का ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 250 की जो पावर है वो आपको बेटर मिलती है एज़ कम्पेयर टू Duke 200। मुझे भाई Duke 250 की ये खास बात लगती है कि परफॉर्मेंस में ना ये एकदम परफेक्ट बाइक है। बाकी इंजन आपको दोनों बाइक का सेम मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये 250 का रेडिएटर है, ये KTM Duke 200 का रेडिएटर है। रेडिएटर साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखिए लेकिन 250 में स्लीपर क्लच आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्लीपर क्लच आएंगे लेकिन 200 में स्लीपर क्लच नहीं आते, तो ये थोड़ा सा आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि स्लीपर क्लच होने की वजह से हमारी जो गियर शिफ्टिंग होती है वो काफ़ी स्मूथली हो जाती है। 250 में आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेंगे। दोनों बाइक में 6 गियर आते हैं और दोनों बाइक BS6 नॉर्म के साथ में आती है। तो देखिए, इंजन टाइप तो आपको सेम मिलेगा, बट जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इस बाइक में स्लीपर क्लच है 250 में, और 250 में आपको जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Duke 200। सो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपेरिजन। बात कर लेते हैं अब दोनों बाइक की माइलेज के बारे में कि माइलेज में आपको दोनों बाइक में कितना डिफरेंसेस मिलेगा। ऑब्वियसली बात है भैया, माइलेज में डिफरेंसेस मिलेगा। एक तरफ 30 BHP है और एक तरफ 25 BHP है, तो Duke 200 अराउंड 30 से 35 के आसपास का जो माइलेज आपको निकाल कर दे देगी, लेकिन 250 आपको अराउंड 30 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देती है। बट फिर भी भाई, जो लोग बाइक यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास ये बाइक है, उनका इस चीज़ को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के सस्पेंशन के बारे में। Duke 200 में फ्रंट में आपको 43 mm के अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉक सस्पेंशन मिलते हैं, और 250 में आपको सेम सस्पेंशन 43 mm वाले अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है। दोनों के सस्पेंशन सेम है, सेम परफॉर्मेंस आपको देंगे, काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन है। ब्रेकिंग के बारे में अगर बात करें, देखिए ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो दोनों बाइक की ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, बट एक थोड़ा सा फ़र्क है। Duke 200 में फ्रंट में आपको 300 mm की साइज़ की प्लेट मिलती है, मतलब वो 300 mm है, बट 250 में आपको 320 mm की प्लेट मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, 250 की जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू Duke 200, क्योंकि प्लेट साइज़ बड़ा है। टायर साइज़ दोनों का सेम है, दोनों में MRF के टायर है और 110/70 के
फीचर आपको दोनों बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से ये दोनों बाइक में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। जी हाँ, लाइट्स। ड्यूक 200 में आप सबसे पहले देख पा रहे कि बाइक में आपको LED DRL लाइट तो देखने को मिलती है, बट जो मेन लाइट है वो आपको इसमें हेलोजन देखने को मिल रही है। नाउ यू कैन सी कि इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट मिल रही है, बट यार अगर 250 के बारे में बात करें तो 250 की जो लाइट है ना भाई, वो बहुत ही मुझे सेक्सी लगती है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले LED DRL लाइट तो मिल रही है, लेकिन मेन लाइट आपको इसमें फुली LED देखने को मिलती है। नाउ यू कैन सी कि इसमें आपको फुली LED लाइट मिल रही है। देखिए, 250 की लाइट की ना खास बात यह है कि लुकिंग वाइज भी बहुत यूनिक है और विजिबिलिटी भी आपको इसकी काफ़ी तगड़ी मिलती है। 390 और 250 में सेम लाइट आती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मिरर्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे और टर्नर सिंगल लैप नहीं दिखाया क्या, ये लो, ये आपको LED टर्नर सिंगल लैप इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों रियर में। रियर की टेल लाइट में आपको बताना चाहूँगा, दोनों बाइक में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी नाइस। काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइट यूज़ की गई है। दोस्तों एक और डिफरेंस है, KTM की ड्यूक 250 में स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मिलता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एग्जॉस्ट मिलेगा, बट 200 में आपको नॉर्मल अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। रियर सस्पेंशन दोनों बाइक के सेम है, WP के मोनोसॉक सस्पेंशन मिलते हैं। WP इज़ अ ब्रांड और मोनोसॉक सस्पेंशन इज़ अ टाइप, ठीक है। और टायर साइज दोनों में आपको 150/60 के टायर मिलेंगे रियर में, और 230 mm के आसपास की जो प्लेट साइज है दोनों बाइक में रियर में यूज़ की गई है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप यह एक चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों बाइक का स्पीडोमीटर सेम है, दोनों बाइक के स्पीडोमीटर में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक का बता देता हूँ, आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ड्यूक 250 एंड 200 में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें फीचर आपको सारे देखने को मिलेंगे, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि अब KTM वालों को इसमें ना LCD पैनल यूज़ करना चाहिए। कौन सा वाला, जो RC में आया है, हालांकि ठीक है ये भी अच्छा, बट वो वाला यूज़ किया जाए तो ये और बेटर हो सकती है। बाकी फीचर्स तो इसमें भी सारे मिलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं RPM मीटर है, जिसको टेकोमीटर भी कहते हैं। यह गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर मिलता है, ये क्लॉक है, और ये आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। दो स्विच देखे मोड एंड सेट के, जिसे आप इसे चेंज करके देख सकते हैं और क्या क्या फीचर है। जैसे ये लो फ्यूल दिखा रहा, साइड स्टेयर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको ओडोमीटर, एक्चुअल FC मतलब कितना माइलेज दे रही है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ये इंजन मालफंक्शन लाइट है, ये शिफ्ट RPM है, और यहाँ पे आपको ABS की लाइट भी मिलती है। स्विचेस के बारे में बात करें तो ये 5 स्विच है, ये लो बीम हाई बीम है, ये टर्न सिंगल लैप है, ये हॉर्न है, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ का जो स्विच है बाइक में मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं फीचर्स में कोई कमियां नहीं है, बस लुकिंग वाइज थोड़ा सा स्पीडोमीटर जो है वो पुराना जैसा लगता है। और एक और बात भाई, उसकी जो टैंक है ग्लॉसी है, इसकी जो टैंक है वो मैट फिनिश में है। बात करें सीट हाइट के बारे में तो दोनों बाइक की सीट हाइट सेम है, 822 mm। जी हाँ दोस्तों, 822 mm की दोनों बाइक की सीट हाइट है, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 है, सुपर है, तो नाउ आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू ड्यूक 200 वर्सेस ड्यूक 250। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि भैया आपने तो कंपैरिजन बता दिया, बट विच वन शुड यू बाय, आपको कौन सी लेनी चाहिए। देखिए मेरे से अगर आप पूछते हो कि मेरे ओपिनियन में जाओगे तो आई थिंक गो फॉर KTM ड्यूक 250 अगर आपका बजट है तो। ऑब्वियसली बात है भाई, 200 के लिए आपका बजट नहीं है तो फिर आप 250 नहीं ले पाओगे, लेकिन भाई अगर आपका बजट है तो 250 के अलावा कुछ मत लेना, 250 ही ज़्यादा बेटर बाइक है। बाकी आप कमेंट करना दोनों में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।